वेलकम बैक टू माय चैनल अमित ब्लॉग्स। तो आज हम बात करने वाले हैं श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड में कल यानी कि 9 फरवरी 2024 को कहां कहां पर नीलामी होने वाली है, ऑक्शन होने वाले हैं उसके बारे में। तो हमारे पास आज जो लोकेशन है वो 20 लोकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे और आप टाइमली ऑक्शन प्लेस पर पहुँचकर गाड़ियाँ खरीद सकें। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारे पास 20 लोकेशन की बात हम करने वाले हैं आज, उसमें आपको महाराष्ट्र की कुछ लोकेशन देखने को मिलने वाली है, उत्तर प्रदेश की कुछ लोकेशन देखने को मिलने वाली है, पंजाब की कुछ लोकेशन देखने को मिलने वाली है, उसी के साथ आपको जम्मू कश्मीर की लोकेशन देखने को मिलेगी, शिमला देखने को मिलेगी अरुणाचल प्रदेश, उसी के साथ में आपको कुछ दिल्ली की लोकेशंस हैं और कुछ हैदराबाद की लोकेशन है, उसी के साथ में कुछ आसाम की लोकेशन है। इस तरीके से काफ़ी सारी हमारे पास आज हम लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं आपका औरंगाबाद से। महाराष्ट्र औरंगाबाद में 57 गाड़ियों की कल नीलामी होने वाली है, जिसमें आपको सारे सेगमेंट ऑलमोस्ट देखने को मिलने वाले हैं। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर कमर्शियल, हैवी कमर्शियल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, फार्म इक्विपमेंट, सभी तरह की गाड़ियाँ आपको औरंगाबाद में देखने को मिलेंगी। तो आप औरंगाबाद जाकर वहाँ से गाड़ी परचेस कर सकते हैं। उसी के साथ में जो हमारी सेकेंड लोकेशन है महाराष्ट्र की, वो नागपुर है। नागपुर में 100 व्हीकल्स की कल नीलामी होने वाली है, 100 गाड़ियों की कल नागपुर में नीलामी होने वाली है। तो आप वो भी जाकर वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं गाड़ियाँ। उसी के साथ में मुंबई में लगभग 19 से 20 गाड़ियों की कल नीलामी होने वाली है, जो अभी एक्सपेक्टेड हमारे पास क्वांटिटी है अवेलेबल वो हम आपको बता रहे हैं। तो लगभग 19 से 20 गाड़ियों की वहाँ पर कल नीलामी होने वाली है मुंबई में, तो आप वहाँ से भी गाड़ियाँ परचेस कर सकते हैं। उसके बाद लातूर में भी कुछ गाड़ियों का ऑक्शन कल होने वाला है, मे बी ये ऑक्शन आउटसाइड ऑक्शन हो सकता है, तो आप वहाँ पर जाकर वहाँ से भी गाड़ी परचेस कर सकते हैं। तो आप उसके साथ में आपको एक लोकेशन और हम बता देते हैं महाराष्ट्र की, जो कि आपको ऑलमोस्ट महाराष्ट्र की सारी लोकेशंस कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली के नरेला में कल नीलामी होने वाली है, जिसमें आपको 75 व्हीकल्स का स्टॉक नीलामी में देखने को मिलेगा नरेला में। तो दिल्ली के नरेला में से आप गाड़ी परचेस कर सकते हैं और सभी जगह गाड़ी परचेस करने के लिए आपको 20,120 रुपये का टोकन लेना है, आधार कार्ड पैन कार्ड सबमिट करना है जीरोक्स उसका, और गाड़ी की नीलामी में भाग लेना है, जिसके लिए आपको एक कैटलॉग मिलेगा, उस कैटलॉग के माध्यम से आप नीलामी में भाग ले सकते हैं। और उसके बाद हमारे जो उत्तर प्रदेश के कुछ लोकेशंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में 86 गाड़ियों की नीलामी होने वाली है, 86 व्हीकल्स का कल ऑक्शन होने वाला है, जिसमें आपको ऑल सेगमेंट वहां पर भी लगभग देखने को मिलने वाले हैं। इसमें आपको कार ज़्यादा देखने को मिलेगी नोएडा में, कार सेगमेंट और साथ ही साथ टू व्हीलर का सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। लग्जरी गाड़ियों का काफ़ी अच्छा कलेक्शन नोएडा में रहता है, तो आप वहाँ पर जाकर वहाँ से भी गाड़ी परचेस कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कल नीलामी होगी, जिसमें आपको 39 व्हीकल्स नीलामी में देखने को मिलेंगे। उसके साथ में आपको मुजफ्फरपुर में भी कल नीलामी देखने को मिलने वाली है, और फिर हमारे पास मुजफ्फरपुर में जो नीलामी होगी उसमें 103 गाड़ियों का ऑक्शन कल रखा गया है। उसके साथ में जो नीलामी होने वाली है नेक्स्ट, वो करनाल में है, 11 गाड़ियों की नीलामी होने वाली है। उसके बाद जम्मू में, जम्मू के ऑटोमॉल में हमारे 54 गाड़ियों का ऑक्शन लगभग होने वाला है। मैसूर में 166 गाड़ियों के आसपास कल नीलामी होने वाली है। लुधियाना पंजाब में 89 व्हीकल्स का ऑक्शन कल होने वाला है। उसी के साथ में मैसूर की जो एक लोकेशन है वहाँ पर 166 गाड़ियाँ 166 सबसे हाईएस्ट व्हीकल कल वहाँ पर नीलाम होने वाली है, तो आप वहाँ पर जाकर वहाँ से भी गाड़ी परचेस कर सकते हैं। गुवाहाटी के बेहरबाड़ी में नीलामी है, लगभग 10 से 15 गाड़ियों का स्टॉक वहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन मे बी आउटसाइड होने वाला है, तो आप इसका खास ख्याल रखें। और जो हमारे पास कुछ साउथ की लोकेशन बचती हैं, जैसे राजमुंद्री, वहाँ पर 100 लोकेशन में 100 गाड़ियों की नीलामी है। प्रोद्यातुर में 58 गाड़ियों की नीलामी है। उसके बाद में आपको चेंगलपेट में 91 गाड़ियों की नीलामी देखने को मिलेगी। तिरुनाल वैली में 101 गाड़ियों का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप इन लोकेशन में जाकर गाड़ियाँ परचेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और जल्दी से जल्दी हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करिए। तो बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।